सही चौक नारायणगढ़ सही चौक सही चौक सही चौक ओके धन्यवाद 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 गोप्रो गोप्रो थोड़ा चमक रहा है ना थोड़ा चमक रहा है 32,000 है गाइस 32,000 अब क्या खरीदना है मामा आपको Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, he put in my heart for lockdown, for lockdown, for lockdown. Yo, you sweet life and town. Hello, guys. Welcome to the main YouTube channel. बहुत स्वागत है गाइस फिर से मैं आप लोगों के पास एक वीडियो लेके आ गया हूँ और आज मैं जा रहा हूँ गाइस बैंक में जा रहा हूँ क्योंकि गाइस पैसा निकालना है कितना कितना है मामू कितना 32,000 है ना 32,000 है गाइस 32,000 30+2 करके 32,000 है गाइस क्योंकि 32,000 पैसे निकालना है एक्चुअली वो पैसा मैंने क्या कि इंडिया से निकाला था लेकिन इंडिया से निकालने के बाद क्या इंडिया में वो पैसा चलता है लेकिन इंडियन करेंसी क्या नेपाल में नहीं चलता है गाइस तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया जब मैं इंडिया से नेपाल में आया तो वो क्या है नेपाल में पैसे तो इंडियन करेंसी नहीं चले गए इसलिए मैंने दूसरे दोस्त को दे दिया वो पैसे उसके अकाउंट में डाल के उस दोस्त ने फिर उसके अकाउंट में नेपाल के अकाउंट में पैसे डाल दिया नेपाल के थ्रू फिर मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिया तो अभी हम जाएंगे बैंक में पैसा विड्रॉल करने के लिए निकालने के लिए काफ़ी समस्या रहता है गाइजर काफ़ी प्रॉब्लम रहता है क्योंकि वहाँ से पैसे निकालना फिर विड्रॉल करना काफ़ी टेंशन रहता है एटीएम भी बीच काम चलता था लेकिन यहाँ पर क्या है कि काफ़ी एटीएम नेपाल में ले नहीं रहा है एटीएम मशीन क्या बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है बिल्कुल सर्विस स्टेबल नहीं है बोल रहा है कि तुम्हारा एटीएम काम नहीं कर रहा है बोल और एटीएम डालने के बाद भी आपका क्या प्रोसेसिंग फेल हो रहा है बोल रहा है इसी के लिए क्या अभी मुझे तैयार भी होना है और फाइनली अभी मैं बिल्कुल रेडी होने वाला हूँ और थोड़ी देर के बाद में थोड़ा मैंने खाना वाना खा लिया खाना वाना खाने के बाद ब्रश भी करना है ब्रश किया नहीं हूँ अभी मैं जाता हूँ ब्रश करने के लिए ब्रश करने के बाद फिर गाइज हम जाएंगे फिर बैंक में पैसा निकालने के लिए और देखते हैं पैसे तो मुझे क्या 2-3 दिन पहले मेरे अकाउंट में आया बोला डाल दिया बोला लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ चेक करने के लिए क्योंकि होली की वजह से पूरा बैंक है क्लोज था पूरा बैंक बंद था लेकिन आज देखते हैं आज तो होली नहीं है कल भी नारी दिवस था नारी दिवस में भी बंद था लेकिन आज तो कोई सार्वजनिक विदा बोलता नहीं मांगो है ना आज तो क्या कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है तो आई होप पक्का बैंक खुला होगा तो जाएंगे उधर से पैसे ले लेंगे तो गाइज फिर अभी मैं थोड़ा सा जाता हूँ खाना वाना खा के करके थोड़ा ब्रश करता हूँ क्योंकि ब्रश करना पड़ेगा खाना खाने के बाद है ना तो इसलिए खाना तो मैंने खाया हुआ काफ़ी देर हो गया लेकिन आधा घंटे के बाद ब्रश करना है तो मैं जाता हूँ ब्रश व्रश करता हूँ फिर आप लोग से भी उधर मिलता पहले मैं ब्रश करता हूँ गाइज ठीक है फाइनली गाइज मैं अभी क्या है कि मैं ब्रश कर रहा हूँ गाइज मुझे ब्रश करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर ब्रश करना पड़ता है गाइज थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैं थोड़ा बाथरूम में आया हूँ बाथरूम में आके थोड़ा ब्रश व्रश कर रहा हूँ ब्रश करने के बाद थोड़ा 2-3 मिनट तक करना पड़ेगा ना उसके बाद जैसे ब्रश करूंगा मैं थोड़ा फ्रेश होकर हम जाएंगे तो बैंक की तरफ और हम जरूर बातें करेंगे ठीक है अब मेरा क्या प्लानिंग क्या आ गया तो बैंक में जाऊंगा बैंक में जाने के मुझे एक बैग भी खरीदना है देखता हूँ बैग को क्या खरीद करके थोड़ा सा मेरा सामान पीछे रखने के लिए और खरीदने के बाद हो सकता है आज मैं मोर शो में भी जाऊँगा मोर शो में गया तो मैं वहाँ का वीडियो मैं आप लोग को पक्का दिखाऊंगा आप लोग को पक्का मैं कंटेंट बना के दे दूंगा ठीक है तो अभी के लिए मैं क्या थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ गाइस अभी मैंने क्या है ब्रश करके आया मेरा टीथ देखा भाई थोड़ा चमक रहा है ना थोड़ा चमक रहा है मैं ब्रश व्रश करके फाइनल में आ चुका हूँ अभी मैं थोड़ा सा ड्रेस व्रेस चेंज करता हूँ ड्रेस व्रेस चेंज करने के बाद फिर चलते हैं फिर दूसरे बाहर की तरफ की बाहर काफी धूप लग रहा है और टुक 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 करते हुए ठीक है गाइस तो फिर अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत अपना ड्रेस व्रेस चेंज कर लेता थोड़ा सा क्या हैंडसम बनना पड़ता है गाइस हाथ में ऐसे भी हैंडसम तो हूँ नहीं फिर भी थोड़ा सा अपना गेटअप देखना पड़ता है मैंने भी कहा अभी मैंने क्या अपने गेटअप को बिल्कुल ही चेंज कर चुका हूँ ये देखो आप लोग देख सकते हो मेरे ऊपर मैंने बिल्कुल ड्रेस व्रेस चेंज करके बिल्कुल मैं रेडी हो चुका हूँ अभी मैं जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और अभी हम जाते हैं और मिलते हैं जो अपने मिशन की ओर उस मिशन में जाके अपना काम को पूरा क्या हम कंप्लीट करेंगे और फिर आप और हम एक ही साथ बात करेंगे ओके गाइस सी यू मिलते हैं अभी बाजार में ऐसा मैं फाइनली बाजार में आ चुका हूँ और जो हमने जो भी काम करने के लिए गया था वो काम फाइनली कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद अभी तक बाजार में चल रहा हूँ ये नारायणगढ़ बाजार में मैं घूम रहा हूँ बाजार में घूमने के बाद
कहाँ गए अभी थोड़ा सा क्या शॉपिंग करना है क्योंकि थोड़ा ये सामान रखने के लिए छोटा सा बैग खरीदना है और बोला कि मामू मुझे बैग खरीद देगा लेकिन पता नहीं खरीदेगा नहीं खरीदेगा अगर खरीदेगा तो ठीक है नहीं खरीदेगा थोड़ा बहुत पैसे मेरे पास भी बहुत तेज हो रहे हो हैं बैग बैग हो पछाड़ी भी नहीं बैग था जेंट्स को लाके अच्छा ल्यापटप स्यापटप होइन ल्यापटपको लागि नर्मल ट्याक्क सानो एकदम ठुलो होइन लेडिज तो हिँड्यो ब्याग चाहियो पछाडि ठ्याक्क भिड्न फ्याट्टो फ्याट्टै हिँड्यो म कहाँ फ्याट्टै बोकेपछि त हिँड्न नि पऱ्यो दौडिन नि पऱ्यो जस्तो गर्न मिल्छ ल देखाउनु पऱ्यो गाइस हमारा दाई का चितवन का एकदम फेमस बैग का होटल है ठीक है पहले भी मैंने इसे लेके गया था और फिर इस बार भी मैं अपने दाई के दुकान में आया हूँ लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा बैग फिर दूसरे वाले दुकान में देखा तो वहाँ पसंद नहीं आया इसलिए अपने वाले जो दाई है ना अपने जो हैंडसम दाई है यहाँ का हैंडसम दाई के दुकान में आया हूँ अभी यहाँ से देखता हूँ यहाँ पर देखता हूँ क्या है कि नहीं दाई ने गप्पा सप्पा तो तगड़ा लगा दिया भाई अच्छे वाला बैग है बोल के लेकिन पता नहीं है कैसा वाला बैग है फाइनली गाइस अभी बैग भी खरीद दिया मैंने इस वाले बैग को ये देखिए ये बैग खरीदा है गाइस मैंने यहाँ पर जो हमारे जो हैंडसम हैंडसम दाई गोरा गोरा दाई उस दाई के दुकान में इसको मैंने वो 1400 बोल रहा था लेकिन 1250 से नीचे नहीं जा रहा था थोड़ा सा मिला मिला के मैंने 1000 में खरीदा है अब क्या खरीदना है नाम आपको I don't have money. देखिए इतना झूठ बोलता है तीन में इतना सारा झूठ बोलते हैं अभी क्या अभी बोल रहे अभी पैसे नहीं है बोलते क्या पता गया अभी दाई क्या पे रम ना दाई क्या आप दीजिए हेलो ठीक है ओरा GoPro हां GoPro GoPro नहीं जीते रे खिच्चा गया था अच्छा हां यता बाडा तपाईको पसल खिची रासे कि रे हैन यता बाडा मलाई खिची रासे अलि राम्रो खालको क्याप देखाउन न दाई हेर्नु न मैं बोला दुकान में आके दाई को कैप दिखाओ बोला दाई खुद मेरे को बोल रहा है मुझे क्या पता सब कैप तो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन इसका कलर और इसका क्वालिटी इसका ब्रांड क्या पता मुझे पता नहीं पिकअप चाहिए पिकअप कैप कैप हमने क्या बैग भी खरीद लिया कैप भी खरीद लिया देखिए स्ट्रॉबेरी देखने के लिए कसरी दीदी स्ट्रॉबेरी को देखो भाई स्ट्रॉबेरी ये लोकल हो अलि एकदम मिठो मिठो हाल्दिन है एकदम मिठो मिठो वाला के सब मिठो छ बाबु हो नर्मल त 250 त्यो नि हाल्दियो केति होला 200 250 रुपैयाँ पाउ बाप रे अ एउटा स्ट्यान्ड राख्दे छ है बाबु ओके ल धन्यवाद 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 हजुरलाई धन्यवाद धन्यवाद भनेपछि 1000 रुपैयाँ किलो पर्यो हैन अ बाबु 1000 रुपैयाँ किलो है गाइस ये स्ट्रॉबेरी इसको क्या खरीदने से अच्छा घर में लगाओ घर में इसको उपजाऊ करो घर में खाओ चलो ठीक है दीदी धन्यवाद हजुरलाई यति मिठो यति रिष्ट पुष्ट यति रातो रातो स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी दिनुभएकोमा थाहा छैन मिठो छ कि छैन घरमै जाके टेस्ट गर्दै गाइस चलो घरमै त रोप्न हैन लेकिन घरमै होना भी त चाहिए दो चार बार तो लगाए थे स्ट्रॉबेरी के पौधा पूरा मर गए जड़ से कीड़ा लग गया तो कैसे करेंगे लग ही नहीं रहा है ना
तो ठीक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे गाइस। इतना महंगे 1000 रुपये के जी है स्ट्रॉबेरी, लेकिन अभी खरीद के वो खा नहीं सकते, फिर भी हमने थोड़ा सा खरीद लिया है। घर में क्या है, वो हमारा छोटू डन खाएगा, मम्मी पापा भी खाएंगे उसको, और अगर मौका मिला तो मैं भी खा लूँगा, इसीलिए थोड़ा सा खरीदा है। आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। बोल रहा है मेरे वाले पसल में देंगे, क्योंकि मेरे वाला मतलब मेरा दुकान नहीं है। दुकान का मतलब यह है कि गाइस जब मैं आता था इसी अंकन बाजार में रेगुलर, मैं उसी दुकान में खरीदता था, इसीलिए बोल रहे हैं कि उसी वाले दुकान में जाके वहीं पर खरीदेंगे बोल रहे हैं। अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर मेरे वाले दुकान में, फिर वहीं मेरे वाले दुकान में जाके थोड़ा सा पूछताछ कर लेते। कहाँ बताओ, हाँ दुकान ही भूल गया मैं तो, कौन है कौन सा वाला क्या है पता दी बताओ। चलो ये मेरा दुकान। हेलो दाई, कैसा खबर? सन्चै हुनुहुन्छ? किन्नु हो कि भएन? तपाईँको रेगुलर कस्टमर। हाफ प्यान्ट देखाउनुहोस्। चलो आफ्टर लङ टाइम है, अलिकति गाई। हाम्रो क्या दाईका इतना अच्छा जेन्ट्सका सामान मिल्छ यहाँ पर। दाई हजुरको पसलको नाम के हो रे? सॉरी, द स्टेप। दाईका दुकानको नाम है द स्टेप। अगर आप लोग भी आना है तो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो। देखो मेरे लिए कपडा दिखा रहे, फ्री में देगा जैसा करके पूरा कपड़ा दिखा रहा है दाई, लेकिन फ्री में देता ही नहीं है, ठीक है, पैसा देना ही पड़ता है, क्या करे। देखो मुस्कुरा रहा है, हमी पनि आउनु पर्यो पिछो पिछोमा। हाउ मच प्राइस दाई? हाउ मच प्राइस? ओन्ली कति भयो तल भन्नु क्या डिसाइड किया है दोनों लेने के लिए, लेकिन प्राइस का पता नहीं है कितना बोलेंगे वो। हमारा क्या है, पेट भी इतना बड़ा हो गया, पेट और पतला था भी इतना मोटा हो गया, लेकिन प्राइस पता नहीं कितना बोलेंगे। अगर ठीक ठाक प्राइस बोले तो ले लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, किन नमिल्ने मिल्दैन भन्नु, हरि हो जाता पैसे देने का। दो कपड़े के लिए 2000 का नोट देना पड़ता है, क्या करे। आजकल जमाना इतना महंगा हो गया, महंगे के अनुसार चलने में ना काफी प्रॉब्लम हो रहा है, फिर भी क्या करे। हे भगवान, हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, जल्दी जल्दी घूम के तुम हमारे जेब के अंदर आ जा। चलो गाइस, फाइनली अभी ये मैंने ले लिया है, मेरा क्या परमानेंट दुकान यहीं पर है। जब भी मैं आता हूँ वहीं से मैं लेता हूँ, और क्योंकि मुझे यहाँ से लेने में थोड़ा दाई के साथ बातचीत भी बनता है और बातचीत भी जमता है हमेशा, लेकिन मेरे से पैसे ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। फिर भी मैं कितना भी कोशिश करता हूँ फिर भी मैं ज़्यादा ही ले लेता हूँ, क्योंकि इतना सीधा साधा हूँ। तो दाई बहुत चलाक है, ठीक है। ओके दाई, थैंक यू दाई, तपाईँको पसलमा जाने आइए, खुसी लाग्यो। आज गाइस पूरा अपना शॉपिंग हो गया रे। एक कैप खरीद दिया, एक हाफ पैंट, एक टी शर्ट और क्या बोलते हैं बैग भी खरीद दिया रे गाइस। बहुत मजा आ गया आज तो, मेरा बल्ले बल्ले हो गया गाइस, मजा आ गया। कहाँ है मेरा गाड़ी यार? अब ये पानी मल रहा तू भाई, ये पानी तू मल रहा तू पुता बड़े पुसन जाम लगे। तो गाइस अभी हम क्या है, यहाँ का शॉपिंग हो गया, अभी हम चलते हैं फुलचौक की तरफ। फुलचौक में जाने के बाद क्या, मामू का थोड़ा सा सामान खरीदना है, मामू का सामान खरीदने के बाद फिर हम घर में, घर की तरफ चलेंगे, घर में जाएंगे। आज के लिए बस, जो भी दिन का शॉपिंग वॉपिंग करने का जो भी हमारा प्लानिंग था, जो भी हमारा मिशन, तो मिशन पूरा सक्सेस हो चुका है। फुलचौक नारायणगढ़, फुलचौक नारायणगढ़, थोड़ी देर गाइस अभी मामू को वेट करेंगे। मामू को वेट करने के बाद फिर जैसे मामू आ जाएगा, हम मामू आते फिर वापस होना पड़ेगा हमें, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रहा है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया, पूरा काला काला हो गया, पूरा जल गया है पूरा। तो मैं आज के लिए मेरा कंटेंट यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अगले वाले वीडियो फिर मैं आप लोग से मिलूंगा। तो जो भी दूसरा टाइप का कंटेंट है, दूसरा टाइप का वीडियो, वो वाला वीडियो लेकर मैं आप लोग के साथ मिलता हूँ। अभी यहाँ पर जो पब्लिक का रिएक्शन है जैसा भी था,
आप लोग ने देखा होगा, लेकिन मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि मैं तो अपने ताल में अपनी मर्जी से बस बातें करते हुए चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसा है। जो भी है, जैसा भी है, प्लीज़ आप लोग मेरे साथ बने रहे। और मैं फिर भी आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने बी एम के भाई को जो अपने बी एम के भाई को प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा, और बी एम के भाई के चैनल को प्लीज़ जादू की जप्पी दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं, गुड डे, सी यू, बाय बाय, अगले वाला वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए टाटा, बाय 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 बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय नेपाल। वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट।